छत्तीसगढ़ में जिला पुलिस बल परीक्षा 2017-18 का रिजल्ट नहीं आने पर अभ्यर्थियों ने हड़ताल शुरू कर दी है। आपको बता दें 2017-18 में 2,259 पद निकले हुए थे, जिसमें 61,000 अभ्यर्थियों ने लिखित परीक्षा दी थी, लेकिन परिणाम जारी नहीं हुआ, जिसको लेकर अभ्यर्थियों ने मामले को हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। कोर्ट ने 60 दिन के भीतर रिजल्ट जारी करने के आदेश दिए थे। पुलिस बल 2017 में जो वैकेंसी आई थी उसका परीक्षा तो लिया गया, लेकिन उसका रिजल्ट अभी तक जारी नहीं किया गया। इसके विरोध करते हुए और रिजल्ट जारी करने की मांग को लेकर आज प्रदेश भर के युवा यहां पे अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे हुए हैं। तो आइए उनसे जानते हैं उनकी क्या प्रमुख मांगे हैं, क्या आप किस मांग को लेकर यहाँ पे हड़ताल पर बैठे हैं? सर, हम लोग जिला पुलिस बल DF 2017-18 भर्ती निकली थी, उसका रिजल्ट के लिए हम लोग यहाँ पे आए हुए हैं। 30 सितंबर 2018 को इसका एग्जाम हुआ था, आज लगभग 9 महीना पूरे हो गए हैं। इसका पेपर जज गया है और मॉडल आंसर भी आ गया, उसके बाद संशोधित मॉडल आंसर आ गया, अब रिजल्ट नहीं मिल दे रहे हैं। हमने रिजल्ट नहीं आने के कारण लगभग 5 महीना लेट हो गया था, उसके बाद हम गए थे हाई कोर्ट कि हमारा रिजल्ट जारी किया जाए। तो हाई कोर्ट से आदेश आया DGP के नाम कि आप 60 दिन के भीतर इनका रिजल्ट जारी करें। वो 60 दिन भी पूरा हो गया, वकील साहब ने लीगल नोटिस भेजा DGP के नाम, उसमें भी उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। अब आज के डेट में अवमानना का भी दायर हो गया है हाई कोर्ट में, और उसके बाद भी हमें अभी तक कोई संतुष्टिजनक जवाब नहीं मिला है। इस मुद्दे को लेकर आप लोग कहाँ कहाँ शिकायत किए हैं? इस मुद्दे को लेकर सर हम लोगों ने कलेक्टर महोदय को ज्ञापन सौंपा था, गृह मंत्री जी को ज्ञापन सौंपा था, और साथ ही साथ हम लोग ने मुख्यमंत्री निवास में भी ज्ञापन सौंपा था जाकर। इन लोगों से क्या रिप्लाई मिला, क्या आश्वासन दिया? फिलहाल तो सर आश्वासन तो यही मिला कि जल्द से जल्द जारी किया जाएगा, लेकिन वहां से अभी तक के 1.5-2 साल हो गया, लेकिन अभी तक रिजल्ट को जारी नहीं किया गया है। तभी हम लोगों ने निर्णय किया कि जितने भी प्रदेश भर से जितने युवा लोगों ने क्वालिफाई किया था, रिटर्न एग्जाम दिया था, तभी हम लोगों ने सभी से संपर्क किया और हम लोगों ने ये अनिश्चितकालीन धरना भी चालू किया है, आज से चालू किया। कल परसों से लोग यहाँ पे आने इकट्ठा हो गए हैं और कल भी बहुत सारी जनसंख्या में यहाँ पे लोग उमड़ने लगेंगे। साथ ही यहाँ पे अभी अनिश्चितकालीन जो धरना है ये अभी लगातार चलता रहेगा, जब तक कि सरकार की तरफ से कोई ठोस निर्णय नहीं उठाया जाता, तब तक कि हम लोग का रिजल्ट जब तक के जारी नहीं किया जाता, तब तक कि हम लोगों का यहाँ धरना चालू रहेगा। आप लोग क्या चाहते हैं? जी सर, हम चाहते हैं कि आश्वासन न मिलकर रिजल्ट जल्द जल्द जारी होगी। अभी आपने उन अभ्यर्थियों को सुना जिन्होंने 2017 में पुलिस का एग्जाम दिया था और उनका मॉडल आंसर भी जारी हो गया, लेकिन अभी फिलहाल सरकार इस पद को रद्द करने की बात कह रही है, जिससे उग्र होकर ये जो परीक्षार्थी हैं यहाँ पे अनिश्चितकालीन आंदोलन करने को मजबूर है। और साथ ही इन्होंने चेतावनी दी है अगर सरकार इनकी मांगे बहुत ही जल्द अगर समय सीमा पे पूरी नहीं करती है तो ये उग्र आंदोलन और करेंगे। कैमरामैन जग्गा के साथ सत्या राजपूत, स्वराज एक्सप्रेस, रायपुर।